फातिमा रशीद और आज हम न्यू साइंस में सीखेंगे कि किस तरह से विंड एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है लाइट एनर्जी में। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमने एक विंड टर्बाइन का वर्किंग मॉडल तैयार किया है। बेसिकली इस वर्किंग मॉडल में होता कुछ यूँ है, जब विंड एनर्जी इन ब्लेड्स से टकराती है तो ब्लेड्स के कर्व शेप होने की वजह से ये ब्लेड्स मूव करते हैं और ये पैदा करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। वो मैकेनिकल एनर्जी जब इस जनरेटर में से पास होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस LED को ग्लो करती है और इससे लाइट एनर्जी पैदा होती है। इस प्रोजेक्ट को हम अपने क्लासरूम में इजीली बहुत लो कॉस्ट के अंदर बना सकते हैं, जिससे ये होगा कि स्टूडेंट्स को एनर्जी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत आसानी से समझ आएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं उनमें शामिल हैं 2 डिस्पोजेबल ग्लासेस, एक बड़े साइज़ का और एक छोटे साइज़ का, कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स, DC मोटर जो कि आप आसानी से किसी खिलौने में से निकाल सकते हैं, LEDs और कुछ टूल्स। विंड टर्बाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके ब्लेड्स तैयार करेंगे। ब्लेड तैयार करने के लिए हमें 2 पॉप्सिकल स्टिक्स चाहिए। पॉप्सिकल स्टिक्स को हम लोगों ने क्रॉस में रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि वो सेंटर में आए। देन हमने उन्हें सुपर ग्लू की मदद से आपस में ज्वाइन कर देना है। सेकेंड स्टेप में हम इस डिस्पोजेबल कप को यूज़ करेंगे विंड ब्लेड्स बनाने के लिए। विंड ब्लेड्स बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने करना कुछ यूँ है कि इस कप पे 3 सेंटीमीटर अब हम इस ब्लेड को इसकी टिप से 1 सेंटीमीटर छोड़कर क्रॉस में काट देंगे। इस तरह के मैंने 4 ब्लेड पहले से तैयार करके रखे हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि तमाम ब्लेड्स का साइज़ बिल्कुल इक्वल हो। अब हम ब्लेड्स को उसकी बेस के साथ अटैच करेंगे। अटैच करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि ब्लेड्स का और पॉप्सिकल स्टिक्स के सेंटर का डिस्टेंस इक्वल हो चारों ब्लेड्स में। अब हमारे ब्लेड्स तैयार हैं, अब हम इनके सेंटर में होल करेंगे। अब हम विंड टर्बाइन का टावर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम DC मोटर को इन पॉप्सिकल स्टिक्स के साथ अटैच करेंगे। अब हम DC मोटर को इस डिस्पोजेबल ग्लास के साथ अटैच करेंगे, जिसके लिए हम दोबारा से ग्लू गन का इस्तेमाल करेंगे। विंड टर्बाइन का टावर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके जनरेटर के साथ ब्लेड्स को अटैच कर देंगे। हमारी विंड टर्बाइन तैयार है। अब हम इसके साथ LED को कनेक्ट करेंगे। हमारा विंड टर्बाइन तैयार है, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। Thank you.
अगर आपको हमारा आज का प्रोजेक्ट पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट pakasi.org और आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।